वेलकम स्टूडेंट्स। ये जो बेटा आज आपको जो लेक्चर है, ये आपका बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सही है। इसमें मैं आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। टेक्निकल नॉलेज का मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग लेक्चर नहीं है, सही। यहाँ पे आपके जो बच्चे SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे, सही, काफी टाइम से कर रहे हैं, सही, और ड्यू टू द कोरोना की वजह से जिनका बच्चों का पेपर डिले हो गया है SSC JEE का, वैसे तो सारे पेपर ही आपके बेटा डिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी स्पेसिफिक हम SSC JEE की बात कर रहे हैं, ठीक है। और SSC JEE में भी किसकी बात कर रहे हैं, प्री की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, SSC JEE में आपके दो एग्जाम होते हैं, एक आपका बेटा प्री वाला एग्जाम होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा बेटा आपका मेंस वाला एग्जाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको एक 90 डेज का प्लान बता रहा हूं। जो बच्चा अगर इस 90 डे के प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेता है, मैं लिख के गारंटी देता हूं कि उसके एग्जाम में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज या फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस 90 डे के प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिस्टेक वाली बात है कि मेरे ख्याल से अब 90 दिन नहीं बचे, जो कि जिस हिसाब से SSC JEE का आपका न्यू नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका बेटा एग्जाम होना है, वो एग्जाम आपका 1-4 नवंबर 2020 के बीच में होना है। तो अब मेरे ख्याल से जिस दिन ये लेक्चर हमारा यूट्यूब पे अपलोड हो रहा होगा, आई थिंक 80 दिन बचे होंगे, ठीक है। तो आप उसे 80 डेज या फिर 75 डेज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, सही, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कहीं कोई दिक्कत लगे बेटा मुझे आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताना, कैसी भी आपकी प्रॉब्लम हो, सही। लेकिन अगर बीच में छोड़ दोगे तो लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं। देखना है तो पूरा देखो या फिर देखो ही मत, एक काम। दूसरी बात, इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी जितने भी डाउट्स हैं कि कैसे हमें टाइम को मैनेज करना है, बेसिकली पढ़ाई करना एक अलग बात होती है, सही। एक होती है मेहनत गधों वाली, एक मेहनत होती है घोड़ों वाली। तो गधों वाली मेहनत अब बेटा नहीं करनी है, मैक्सिमम बच्चा गधों वाली मेहनत करता है। शब्द थोड़े खराब बोल रहा हूं लेकिन बात एक बिल्कुल फैक्ट वाली है। आपको घोड़े वाली यानी आपको स्मार्ट वर्क करना है, सही। आपको अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज करना है, आपका एक एक मिनट कीमती है बेटा, आपको एग्जाम निकालना ही निकालना है। तो इस लेक्चर को देखोगे पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको मैं कि कैसे आपको पढ़ना है, कहां से क्या पढ़ना है, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले बस एक दो बातें और बतानी है मुझे कि अगर हम SSC JEE की बात करते हैं तो मेरा नाम जैसे सुमित कुमार शर्मा आपको पता ही होगा, सही, EE इलेक्ट्रिकल से मैं बिलोंग करता हूँ, EE डिपार्टमेंट देखता हूँ जेनिक एजुकेशन में। तो हमारा पेड कोर्स भी है, ठीक है, ऑनलाइन पेड कोर्स है। आप चाहे पेन ड्राइव के थ्रू ले लो या फिर चाहे आप उसे जी ड्राइव के थ्रू ले लो, आपकी मर्जी है। तो हमारा इस समय जो SSC JEE का कोर्स है बहुत ही अच्छा हमारा सेल हो रहा है इस समय। अगर आप वो भी पेड कोर्स बाय करना चाहो तो वो भी आप बाय कर सकते हो। और जो बच्चा फुल कोर्स बाय कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल का करो चाहे सिविल का करो, अगर आप सुमित SUMIT सर 10, अगर ये कूपन कोड बेटा आप अप्लाई करते हो सुमित सर 10, तो फिर आपको बेटा 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे बतानी थी, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी है हमारा, क्योंकि इस समय पेड कोर्स की सेल बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। चलिए अब काम की बात पे आते हैं। आज की SSC JEE का पेपर है प्री का, मैंने आपको बता दिया कि बेटा इसका जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर कब होना है, 1-4 नवंबर 2020 के बीच में। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए बेटा 90 डे प्लान्स की बात कर रहा हूँ, सही। यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो सकता है इसलिए हर चीज को दो बार बोलूंगा। तो देखो अगर मैं SSC JEE के एग्जाम की बात करता हूँ, आप सबको पता होगा कि SSC JEE के एग्जाम में बेटा कितने क्वेश्चन आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, SSC JEE के एग्जाम की बात करें तो SSC JEE के एग्जाम में बेटा 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के आते हैं। मतलब आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन, सही। और ये कितने मार्क्स के होते हैं, ये बेटा आपके 200 मार्क्स के होते हैं। अब अगर बेटा मैं इन 200 मार्क्स की बात करूं तो यानी 100 क्वेश्चन आपके किस में आते हैं बेटा, टेक्निकल वाले पोर्शन में, और 100 क्वेश्चन आपके किस में आते हैं बेटा, नॉन टेक्निकल वाले क्वेश्चन में, सही। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, यहां पे आपके बेटा नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग के क्या मार्क्स हैं, 0.25 मार्क्स। मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं लेकिन सारी चीजें बोल रहा हूं, ठीक है। तो फॉन्ट साइज से दिक्कत मत करिएगा, शिकायत। तो टोटल आपके बेटा SSC JEE की बात करें
दोस्तों क्वेश्चन आपके आते हैं 100 क्वेश्चन बेटा आपके टेक्निकल होते हैं और 100 क्वेश्चन बेटा आपके नॉन टेक्निकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद 200 क्वेश्चन, अच्छा पेपर कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है? पेपर होता है बेटा आपका 120 मिनट, 120 मिनट, या आपका 120 मिनट का आपका पेपर होता है, सही। यानी अब आप एक बात को समझने की कोशिश करो कि आपको बेटा 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए कितना समय मिल रहा है? एक क्वेश्चन के लिए बमुश्किल आपको 35 से 40 सेकंड मिल रहे हैं, सही। अगर 100 मिनट का पेपर होता तो एक क्वेश्चन के लिए कितना समय मिलता? 30 सेकंड, सही। 120 मिनट है तो लगभग मैंने बोल दिया 35 से 40 सेकंड के बीच में बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर मैंने बात करी है 90 डेज प्लान की, सही। तो इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 70 दिन में अलग कर रहा हूं और 20 दिन में अलग कर रहा हूं, सही है। तो देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं 70 डेज, अगर मैं इन 70 दिनों की बात, मैं समझाऊंगा इस चीज को, अगर मैं इन 70 दिनों की बात करूं तो इसमें आपको पूरा डिटेल कोर्स पढ़ना है, सही। कोर्स मतलब, और डेली कितना पढ़ना है बेटा? 8 से 10 आवर, 8 से 10 घंटे। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इस 8 से 10 घंटे को बेटा आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सही। और अगर मैं रिमेनिंग 20 दिन की बात करूं, 20 डेज, इस 20 डेज की अगर बात करता हूं तो यहां पे आपको क्या करना है बेटा? टेस्ट सीरीज, सही, ठीक है। तो अगर बेटा यहां पे मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो 70 दिन में आपका क्या है? 70 दिन में आपकी कहानी ये है कि आपका कोर्स है या आपको 8 से 10 घंटे, सही, 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है। और 20 दिन की बात में, जो रिमेनिंग 20 दिन आपके बचे उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अभी इसे मैं और डिटेल में बताऊंगा, बस मेरा लेक्चर ध्यान से सुनिए, मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूं, अगर ये लेक्चर बेटा पूरा देखते हो 101% आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेक्चर से हवा में हम बना रहे हैं टाइम पास करने के लिए, सही। अभी मैं आपको ढंग से सारी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि क्या से क्या पढ़ना भी होता है, ठीक है। तो यहां चलिए इस चीज से बाद में आते हैं, अब टेक्निकल की बात कर ली। देखिए रिपीट कर दे रहा हूं, 200 क्वेश्चन आने हैं, 120 मिनट का समय है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 35 से 40 सेकंड मिलने हैं, प्लस 100 क्वेश्चन बेटा आपके टेक्निकल में आने हैं और 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल में आने हैं, सही है। अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूं, यहां पे जो आपकी ब्रांचें एलिजिबल होती हैं, डबल ई, सिविल, मैकेनिकल, ठीक, ये तीन ब्रांचें आपकी एलिजिबल है। अगर मैं अपने जेनिक एजुकेशन की बात करता हूं तो हमारे जेनिक एजुकेशन में डबल ई का ही पेड कोर्स अवेलेबल है, सिविल का ही पेड कोर्स अवेलेबल है आज की डेट में, ठीक है। चलिए खैर, अब अगर यहां पे मैं बात करूं कि यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं, अभी इस चीज पे दोबारा लौट के आऊंगा, पहले जरा थोड़ा इसका टेक्निकल का एनालिसिस कर लेते हैं, सही, थोड़ा सा कि टेक्निकल में बेटा आपको, अच्छा एक चीज और, आपको बेटा कट ऑफ पता होनी चाहिए कि कट ऑफ आपकी कितनी गई थी। जैसा डबल ई की बात, मैं डबल ई से बिलोंग कर रहा हूं तो डबल ई की पहले आपको बात बताता हूं कि डबल ई में अगर बेटा 2017 की कट ऑफ की बात करूं, सही है, अगर बेटा 2017 की बात करते हैं, 2017 की, तो 2017 में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी? 135 से 140 नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2018 की बात करता हूं तो 2018 की अगर बात करें तो 2018 में लगभग 145 से 155, ठीक है। सेम उसी तरीके से अब सितंबर 2020 में एग्जाम होना है, सही है। तो 2020 की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, 155 प्लस मार्क्स, समझ रहे इस बात को, कि अगर बेटा मैं 2020 की बात करता हूं, 2020 में बेटा आपकी 155 प्लस मार्क्स की ही कट ऑफ जानी है, सही, क्योंकि टाइम ज्यादा मिल गया है, बच्चों ने प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी करी है, सही। तो ये चीज जरा माइंड में सेट करनी है। अब आपको क्या दिमाग में सेट करना है कि भाई इस 155 प्लस मार्क्स की अगर बात करी जाए तो ये कैसे आएंगे, सही, इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो टेक्निकल की बात करूं तो यहां पे बेटा आपको मिनिमम 75 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, 75 प्लस मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, पत्थर की लकीर रहेंगे। अच्छा एक चीज और है,
डबली सिविल मैकेनिकल, तीनों की कट ऑफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, ऐसा नहीं है कि तीनों की कट ऑफ सेम होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सिविल की, तो सिविल की शायद 140 गई थी 2018 में शायद, सही है, तो सिविल की थोड़ी कम जाती कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन आप चलो मोटा आइडिया लेके चल रहा हूँ कि बेटा आपको 155 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, वेदर यू आर, आप चाहे इलेक्ट्रिकल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे मैकेनिकल का दे रहे हो, चाहे बेटा सिविल का एग्जाम दे रहे हो, आपको 155 प्लस मार्क्स लाने हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई 155 मार्क्स कैसे आएंगे, सही। तो समझिए बात को, आपको यहाँ पे 75 मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे, और 75 मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 70 दिन 70 डेज, सही है। 70 डेज की बात करूं तो डेली मैंने वहां क्या लिखा है, 8 से 10 घंटे। भाई मैंने आपसे बोला कि आपको बेटा डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है, तो टेक्निकल पोर्शन तो बेटा आपको डेली पत्थर की लकीर है 5 to 6 आवर, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कैसे स्टडी रहेगी, वो एक वो चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतनी बात समझिए 70 दिन डेली ईमानदारी के साथ, सही, बेईमानी नहीं करनी है, बेईमानी करोगे बेटा अपने साथ ही करोगे, तो आपको ईमानदारी के साथ डेली 5 से 6 घंटे, सही, अब समझो अगर मान लेता हूं मैं 6 घंटे डेली पढ़ रहा हूं, और ये 70 6 की 70 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 420 आवर, यानी ये लगभग अप्रोक्सीमेट 6×36 अप्रोक्सीमेट 420 आवर, सही, 420 आवर बेटा बहुत होते हैं आपके, सही। हमारा जो जेलिंग का टेक्निकल कोर्स भी है, पेड कोर्स है, वो भी मेरे ख्याल से 500 से 600 घंटे का होगा, सही, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 500 600 घंटे का, तो वो भी बहुत साइंस से कवर हो सकता है, और आपको इसमें 75 प्लस मार्क्स लाने ही हैं अगर बेटा सिलेक्शन लेना है। उसके बाद नॉन टेक्निकल पोर्शन पर आ जाते हैं, अगर बेटा नॉन टेक्निकल पोर्शन पर आते हैं तो नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्या कहानी है, देखो नॉन टेक्निकल को अगर मैं क्लासीफाई करता हूँ तो रीजनिंग कि आपके मान लेते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, और जीके जीएस करंट अफेयर इसके आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं, यहां पे रीजनिंग, प्लस जीके एंड जीएस, प्लस करंट अफेयर यानी सीए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं रीजनिंग की बात करते हैं बेटा, अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, रीजनिंग के बेटा आपके आते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है, यानी 50 मार्क्स। सेम यहां जीके जीएस की बात करें तो इसे ये जनरलाइज, ये जो पोर्शन है बेटा आपका, ये आपका कॉमन है, ठीक है, तो मैं जनरलाइज में बात कर रहा हूं, जीके जीएस को आप क्या बोल सकते हैं कि ये आपका 40 मार्क्स का आता है, ठीक है, 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स के बाद अगर बेटा करंट अफेयर की बात करते हैं, करंट अफेयर से मैं बोल दे रहा हूं 10 मार्क्स। अब बेटा आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे, देखो बेटा रीजनिंग की आपको बेटा बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग की कहानी यह है, और रीजनिंग मैं आपको ये भी बोलना चाह रहा हूं कि रीजनिंग कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता है, मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वो बात को समझो, ये जितनी मेहनत आपको इस वाले टेक्निकल वाले पोर्शन में करनी है, और कोई गारंटी नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करके इतने नंबर आए, लेकिन मेहनत तो करनी है। लेकिन अगर यहां बेटा आप थोड़ी बहुत ही मेहनत कर लोगे नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन में, इंजीनियरिंग के बच्चों को फायदा होता है नॉन टेक्निकल पोर्शन वाले में, अगर आप बेटा ढंग से मेहनत कर लोगे तो यहां पर आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग 70 दिन तो आपको ऐसी थे, यहां पे अगर मैं आपकी बात कर लेता हूं कम से कम आपको 15 दिन देने पड़ेंगे, सही, और 15 दिन में डेली आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर मैं ओवरली बेसिस से बात करूं, सही, ओवरली बेसिस से बात करूं मैक्सिमम 6 घंटे, मैंने ये बोल दिए थे 4 घंटे, 4 आवर, सही। तो यहां पे आपके 60 घंटे हुआ है, 60 घंटे बहुत ज्यादा आपका रीजनिंग के लिए, या फिर अगर आप और चाहो तो 15 की जगह 20 कर लो, 25 कर लो, क्योंकि आपको टोटल 10 घंटे एक दिन में पढ़ाई करनी थी, तो 6 घंटे माना आपने टेक्निकल के लिए दिए, 4 घंटे आपने नॉन टेक्निकल के लिए दिए, सही, इसके भी दिन इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे, यहां पर बेटा लाने होंगे आपको 45 प्लस मार्क्स,
Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. और बहुत ही आसान रीजनिंग आती है, सही रीजनिंग बहुत आसान आती है, मैं और डिटेल में बताऊंगा, अभी बस आप नंबर का क्लासिफिकेशन देखिए। जीके जीएस की बात करूं वो बेटा आपके 40 मार्क्स के हैं, तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसमें काफी चीजें आती हैं। अभी मैं लेक्चर के अगले पार्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा कि जैसे फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, जियोग्राफी आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे आपको मिनिमम कितने नंबर गेन करने पड़ेंगे, यहां करने पड़ेंगे बेटा आपको 30 मार्क्स। अभी एक एक पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे, यहां पे कितने करने पड़ेंगे 30 मार्क्स, ठीक है, समझिए आपको 75 ये थे, 45 ये थे, कितने हुए 70 40 110 120 सही 120 और 30 150। यहां की बात करूं यहां पे आपको 5 मार्क्स, ठीक है, यहां पे आपको मिनिमम 5 मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। तो आप समझिए बात को, 75 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 5 ये कितना आपका ऐड होके आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं ये मिनिमम बेटा बेटा आपका सॉल्व होके आएगा, सॉल्व होके क्या, ये बेटा आपका 155 प्लस आपका सॉल्व होके आएगा, यानी 155 मार्क्स आएगा, आपका सिलेक्शन लगभग पत्थर की लकीर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, वेरिएशन से मतलब क्या है, वेरिएशन से मतलब बेटा ये है कि नहीं है भैया, हो सकता है 75 है, 75 में हो सकता है आपके 85 आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहां पे 45 है, यहां पे मान लेते हैं 40 आ रहे हो, ठीक है, यहां पे भाई 30 लिखे हैं, यहां पे सकता है 35 आ रहे हो, यहां पे 5 लिखे हैं, यहां पे हो सकता है 8 आ रहे हो, तो वो चीजें आपकी वेरिएबल हो सकती है। लेकिन बेटा आपको अपने माइंड में ये चीजें दिमाग में सेट करके चलनी ही पड़ेंगी कि मुझे मिनिमम 75 तो भाई लेके आने हैं, सही। अभी एक एक चीज बताऊंगा कैसे लेके आने हैं, लेकिन ये चीज आप याद रखिए कि मुझे इतने मार्क्स लेके आने ही हैं। देखो रीजनिंग की अगर बात करता हूं, रीजनिंग के टॉपिक्स हैं आपके बहुत सारे, सही, जैसे आप सिलेबस देखिएगा वहां को पता चलेगा, ये मैं आगे लेक्चर में बता भी दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत आसान होता है, सही, इसे करिए। हमारा मैं अपने अगर जेनिक के पेंटाई कोर्स की बात करूं, बिल्कुल डिटेल में हमने पढ़ा रखा है रीजनिंग, आराम से आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज किसी बुक से पढ़ सकते हो। जरा जीके चेस और करंट अफेयर की बात करते हैं, सही, जरा करंट अफेयर में बच्चों काफी डाउट है, बच्चों काफी मैसेज आए थे, तो एक पॉइंट सुनने की कोशिश करिए। अगर बेटा करंट अफेयर की बात करते हैं, सही, अगर करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो समझो जरा बात को, अभी तो पेपर बेटा आपका कब हो रहा है, अभी पेपर, अच्छा ये भी एक एक्सपेक्टेड डेट है, अभी जो कोरोना की कहानी चल रही है, अगर कहीं और ज्यादा गड़बड़ हो गई तो ये डेट भी आपकी बेटा आगे जा सकती है, 0.001% पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं, लग रही हैं आज ही डेट के अकॉर्डिंग, सही है। आगे फ्यूचर में क्या लिखा है वो तो नहीं पता हमें, लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको दिमाग में सेट करके चलना है कि भाई मेरा पेपर तो 1 से लेकर 4 सितंबर के बीच में है, ये बात पत्थर लकीर है, ठीक है। अब अगर बेटा हमें करंट अफेयर की बात करते हैं, सही, करंट अफेयर की बात करते हैं, करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट अफेयर में बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कब की पढ़ के जाओगे। जनरली अगर मैं एसएससी जेई की बात करता हूं तो एसएससी जेई में जिस डेट को आपका एग्जाम होता है उससे छह से आठ मंथ पहले की करंट अफेयर पढ़ के जाई जाती है, सही। तो अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं 0.001% कि पेपर पहले ही आपका डिजाइन हो गया है, सही, जो आपको मान लेते हैं पेपर आपका मार्च अप्रैल में होना था, ठीक है, मान लिया जरा सेकंड, तो मार्च अप्रैल से पहले 6 से 8 महीने, लेकिन ये कब की कंडीशन है कि जो पेपर वहां डिजाइन हुआ था वही पेपर अब आपका सितंबर वाले पेपर में आ रहा है, तो यानी मार्च से 6-8 महीने पहले वाला करंट अफेयर, सही। और ये एज्यूम करो सितंबर वाला पेपर के लिए ये पोर्शन फिर से डिजाइन हुआ है, मान लेते हैं, तो यानी सितंबर से 6-8 महीने पहले, तो आप एक जनरलाइज बात करिए कि आप कम से कम इस चीज को कम से कम 10 से 12 महीने, सही, थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि करंट अफेयर 10 से 12 महीने, करंट अफेयर मतलब होता है रिसेंटली, लेकिन आप बेटा रिस्क मत लो, आप 10 से 12 महीने करंट अफेयर पढ़ के जाओ। मनोहर पांडे करके आपकी बुक आती है, पतली सी किताब है, मनोहर पांडे, सही है, वहां से आप ये सब चीजें बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जीके जीएस, जीके जीएस की बात सुनने की कोशिश करो, जीके जीएस की कहानी क्या है, अगर मैं इसकी आपको बात करूं तो इसकी आपको बेटा लूसेंट, ये तो किताब है आपकी मनोहर पांडे, उसके अलावा लूसेंट आती है, सही,
70 दिन में देखिए, मैंने 70 दिन थे, 5 से 6 घंटे मैंने ये निकाले थे टेक्निकल के लिए, 15 दिन की बात करूं 4 घंटे डेली निकाले थे रीजनिंग के लिए। अभी मेरे पास कितने दिन बचे, चलो चाहो तो आप बेटा इस 15 दिन को क्या कर सकते हो, इसे आप बेटा 25 दिन कर लो, सही। तो 25 4 यानी 100 घंटे आपके हो गए। अभी भी आपके पास कितने बचे, 70 दिन थे, 30 40 45 55 65, यानी 30। इसकी अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, तो ये भी आप आराम से 30 डेज, सही, और डेली 3 आवर, सही। तो आपका 9 से 10 घंटे डेली का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीके जीएस में बच्चों के साथ कहानी क्या होती है, रटने की कोशिश करते हैं, सही। रटने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि रटोगे बेटा चीजें ध्यान नहीं रहती हैं। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्या करनी है, जैसे मैं जीके जीएस की बात करूं, आपकी बुक आती है घटना चक्र करके, सही है। तो उसे कहानी की तरह, जैसे लूसेंट है तो स्टोरी की तरह पढ़ो, सही। जब स्टोरी की तरह पढ़ोगे चीजें मेमोराइज होती जाएंगी। दूसरा, यहां तो मैंने लिख दिया है कि लास्ट के 20 दिन आपको टेस्ट सीरीज करनी, लेकिन ऐसा नहीं है, समझो बात को। जैसे हम अपने जेनिक की बात करें, हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, तो मशीन की बात करी, मशीन में आपने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, जैसे ही आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा भाई, आप आधा घंटा 1 घंटा निकाल के ट्रांसफार्मर अटेम्प्ट कर लो उसकी टेस्ट सीरीज, सही। जैसे आपने इंडक्शन मशीन पढ़ लिया, तो इंडक्शन मशीन की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे पावर सिस्टम की बात करी, पावर सिस्टम में आपने 3 दिन में जनरेशन वाला पोर्शन पढ़ लिया, सही है, तो जनरेशन की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? सेम इसी तरीके से मान लेते हैं बीसी इलेक्ट्रिकल की बात, चलो बीसी इलेक्ट्रिकल की बात कर लो, आपने उसमें थ्योरम पढ़ ली, भाई सुपर पोर्शन था उन्होंने, मैक्सिमम पावर साई थ्योरम पढ़ ली, तो इन थ्योरम के बेस पे जो आपकी टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज यानी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, उसे उसी दिन अटेम्प्ट करो, सही। सेम अगर मैं जीके जीएस की बात कर रहा हूं, डेली जीके जीएस वाली आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो अगर एक दिन में 50 क्वेश्चन कर रहे हो और 70 दिन तक कर रहे हो, अगर एक दिन में 50 में 70 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, आप खुद से एज्यूम करो, 7 5 35 3500 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3500 क्वेश्चन से बाहर कहां कुछ आ जाएगा, सही। लेकिन कंटिन्यूअस स्टडी करनी पड़ेगी, अगर कंटिन्यूअस स्टडी नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला है, सही। ये पोर्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं वो इसे इग्नोर कर देते हैं, वो सारा का सारा ध्यान इस पे लगाते हैं, जरूरी है इस पे लगाना है ध्यान, लेकिन बेटा इसे इग्नोर नहीं करना है, सही। इससे बेटा कट ऑफ आपकी क्लियर होती है। रीजनिंग मैं सही आपको लिख के दे रहा हूं, आप चाहे हमारा कोर्स से पढ़ो, पेड कोर्स से पूरी जिंदगी रखी, या फिर कहीं से ही पढ़ो, अगर ढंग से ईमानदारी से पढ़ते हो तो रीजनिंग में पत्थर की लकीर है बेटा, 45 में 45 मार्क्स आराम से आते हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के, सही। यहां थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, इसे मैं मना नहीं कर रहा हूं, यहां थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, सही। जो कि करंट अफेयर है तो करंट अफेयर ही है, अभी मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, जीके जीएस भी जीके जीएस है, कितना भी पढ़ लो थोड़ा सा कम पड़ ही जाता है, सही। वो थोड़ा सा लक पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ के गए, क्या आपको ध्यान रहा, सही। दूसरी बात, अगर मैं एसएससी जे की, अब अभी आपके माइंड में बात क्लिक करेगी कि सर ने यार 70-90 दिन का प्लान बताया, सर ने क्या करा, सर ने 90 डेज का प्लान बताया, और 90 डेज के बाद में सर क्या कह रहे हैं कि 70 दिन तो सर ने आपका ये पढ़ते रहे, 20 दिन आप टेस्ट सीरीज। तो मेरे कहने का मतलब क्या था, इन 70 दिनों में भी आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, लेकिन इन 70 दिनों में टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज ऐसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। टेस्ट सीरीज इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर क्रैक एनी एग्जाम, फॉर क्रैक एसएससी जेईई एग्जाम, ठीक है। 20 दिन का मतलब क्या है, 20 दिन में बेटा आपको डेली फुल लैंड टेस्ट। अगर मैं आपसे बात करता हूं फुल लैंड टेस्ट, इन 20 दिन में बेटा आपको फुल लैंड टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ये मेरे कहने का मतलब था, ठीक है। मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मिनट का 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, वो आपको फुल लैंड टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। जल्दी जहां तक देखिए, बहुत जल्दी हमारी जेनिक की टेस्ट सीरीज एसएससी जेईई की लॉन्च होने वाली है, बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं हम लोग, पूरी हमारी टीम है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, किसी और की चलिए बात अलग है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन ज्वाइन बेटा जरूर करना है कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज, सही। टेस्ट सीरीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, अभी जो टेक्निकल वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सही है। एक चीज और दिमाग में सेट करके रखो कि बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाने हैं, सही। कई बच्चे गलती करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, इस पर भी हमारी प्लानिंग चल रही है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराएं जैनिक पे, तो उस पर मैं बाद में बताऊंगा कि वैसे काफी सारा कंटेंट तो जा ही रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम चाह रहे हैं कि 2-4 पेपर तो एटलीस्ट आपको सॉल्व करवाएं,
ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व कराना है। चलो टेक्निकल वाले पोर्शन पे आ जा रहे हैं। टेक्निकल वाले पोर्शन की बात करूं, इलेक्ट्रिकल से हूं मैं तो इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिकल का देखिएगा, चलिए अगर मैं इलेक्ट्रिकल का देखता हूं तो पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा हो गया? पहला सब्जेक्ट हो गया आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर सर्किट थ्योरी। तो पहला सब्जेक्ट हो गया आपका सर्किट। फॉन्ट साइज बेटा बहुत छोटा लिख रहा हूं मैं, लेकिन मैं सारी चीजें बोल रहा हूं दो दो बार। सर्किट थ्योरी या फिर नेटवर्क या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल, ऐसे आपका दूसरा सब्जेक्ट कौन सा जाएगा? दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। सेकंड हो जाएगा आपका बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन, सही है। तीसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मेजरमेंट लिख दे रहा हूं, मेजरमेंट। फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन आप क्वेश्चन नहीं सॉरी फोर्थ सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? पावर सिस्टम। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं अगर फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन बार बार मुझसे निकल रहा है, लेक्चर लिया था दरअसल। अगर मैं फिफ्थ सब्जेक्ट की बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और बेटा दो सब्जेक्ट आपके और बचे, छठा वो आपका हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा UEET, सही। और एक सब्जेक्ट आपको और बचेगा एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, चलो लिख दे रहा हूं एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग। अब समझो बात को, ये बेटा आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टेक्निकल पोर्शन है। यहां से आपके कितने क्वेश्चन आने हैं? यहां से आपके आने हैं 100 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स के आने हैं? 100 मार्क्स के, वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो मैं एक मोटा मोटा आपको एक, अगर मैं इन पेपर्स की बात करूं, इससे पहले के पेपर्स की बात करूं, तो किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आता है उसके एक मोटा मोटा एनालिसिस बता रहा हूं। सही है, सर पत्थर लगी नहीं, लेकिन जनरलाइज बात हो रही है। मैं सर्किट थ्योरी की बात करता हूं तो लगभग यहां से आपके बेटा 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चन बोल लो या फिर 25 मार्क्स बोल लो। सेम अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर बात करूं, यहां से भी लगभग आपके 25 यानी 25 × 50। सेम अगर पावर सिस्टम से बात करूं तो पावर सिस्टम से भी 25 क्वेश्चन आपके होते होते हैं। उसके बाद अगर मैं 25-75 हो गए आपके। अगर मैं मेजरमेंट की बात करता हूं, मेजरमेंट से आपके 12 से 15, सही है, लगभग अप्रोक्सीमेट। सेम अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके 5 क्वेश्चन होते हैं लगभग। और ये दो सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यहां से आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 5। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इन 100 नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर बेटा सर्किट थ्योरी की बात करते हैं, सर्किट थ्योरी नेटवर्क बेसिक इलेक्ट्रिकल बात एक ही है। सर्किट थ्योरी की बात करते हैं, आपकी सारी थ्योरम्स हो गई भाई, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गई, नॉर्टन थ्योरम हो गई, थेवेनिन थ्योरम हो गई, मैक्सिमम पावर थ्योरम हो गई, रेजोनेंस की कंडीशन हो गई, ट्रांजिएंट थोड़ा सा पार्ट आता, ज्यादा नहीं थोड़ा सा आता ट्रांजिएंट का, कभी कभार एक आध क्वेश्चन ट्रांजिएंट वाला पार्ट हो गया। सेल SSCJEE, वैसे UPSC से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल, SSCJEE में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खैर पढ़ना तो है ही। बैटरी, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें, वहीं आपके 5 पार्ट हो गए, बेसिक कंसेप्ट, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन के बाद आपका इंडक्शन मशीन, इंडक्शन के बाद आपका सिंक्रोनस, और फिर आपका स्पेशल मशीन। मेजरमेंट आपका वही सिंपल एरर एनालिसिस हो गया, CRO हो गया, और उसके अलावा सारे आपको ब्रिज पता होने चाहिए, ये सब चीज़ें आती हैं। पावर स्टेशन की बात करें, जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, यूटिलाइजेशन हो गया आपका, ठीक है, या ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो सिंपल BJT हो गया, बाइसिंग हो गया, FET हो गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका IE रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ये आपको इसे पता होने चाहिए। उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं पता होने चाहिए। तो आप बात को समझो यहाँ पे बेटा आपका एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ये चीज दिमाग में सेट करो पहले। एक एक सिंगल मार्क्स आपका बेटा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के साथ कहानी क्या है, पढ़ के ही नहीं जाते हैं, ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ के ही नहीं जाते हैं। कहते हैं अरे यार 100 में से 5 ही नंबर का तो आ रहा है, या फिर दोस्तों में 5 ही नंबर का आ रहा है, छोड़ो नहीं पढ़ के जा रहे हैं। बेटा हमेशा याद रखना,
मैक्सिमम बच्चे जब पेपर देके आते हैं तो बात तो होती है बच्चों से, बच्चों का हमेशा कहना यही होता है, सर हम ये टॉपिक पढ़ के नहीं गए थे और सर इसी से ज्यादा आया। हर बच्चे की ये कहानी अपने दिल से पूछ के देखना कि मैं ये टॉपिक पढ़ के नहीं गया था और इसी से सर सबसे ज्यादा आया। सही है, तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है। आपके पास बेटा बहुत टाइम है, अभी भी मेरे ख्याल से लेक्चर जिस दिन अपलोड हो रहा होगा 80 दिन तो होंगे ही, 77 दिन होंगे, बहुत होते 77 दिन। अरे मैं आपसे कह रहा हूं बेटा 8 से 10 घंटे, आप 15 घंटे पढ़ो, आपके पास 24 घंटे में काम क्या है, 24 घंटे में क्या करोगे यार, 24 घंटे में 8 घंटे सो लो, 16 घंटे तब भी बचे, 2 घंटे नहा धो लो, 14 घंटे तब भी बचे, 2 घंटा खाना खा लो, 12 घंटे, घंटे की कमी नहीं है, टाइम बेटा बहुत है आपके पास, ये आप पे डिपेंड करता है आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। सही, अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा मेहनत करो और स्मार्ट मेहनत करो, सही हवाबाजी मेहनत मत करो। कहने का मतलब क्या है, खुद से प्लान बनाओ। जैसे हमने जेनिक का कोर्स का बता दें कि पूरा 180 दिन का प्लान दे रखा है हमने कि 180 दिन में कैसे पूरा कोर्स कवर करा जा सकता है। आप उस कोर्स को 70 दिन में कवर कर सकते हो, 90 दिन में कवर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सिंपली आप नंबर ऑफ आवर्स डबल कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, जैसे देखिए सर्किट थ्योरी के आप दिन बना के रखिए कि मुझे ये जैसे 70 दिन लिखे हैं मैंने कि 10 दिन में सर्किट थ्योरी, 10 दिन में इलेक्ट्रिकल मशीन 20 दिन, 10 दिन में पावर सिस्टम 30 दिन, 10 दिन में मेजरमेंट 40 दिन, 5 दिन 5 दिन 50 दिन। सही, या फिर आप क्या कर सकते हो, 15 दिन आपने सर्किट थ्योरी को दिए, 15 दिन इलेक्ट्रिक मशीन को दिए, 15 दूनी 30 दिन, पावर सिस्टम को 15 दिन दिए 45 दिन, सही इसे आपने 5 दिन दिए 50 दिन, इसे आपने 5 दिन दिए 55 दिन, इसे आपने 10 दिन दिए 65 दिन। सही, यानी 65 दिन वहां मैंने वहां बेटा 70 दिन लिखा हुआ है। सही, तो ये आप पर डिपेंड करता है आपको कैसे प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा टेक्निकल वाला पोर्शन हो गया। थोड़ा सा मैं आपको एक अगले स्लाइड में मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। सही, और आपको यहाँ पे रीजनिंग का थोड़ा सा और ये जीके के जीएस का कहाँ से कैसे आपको आइडिया लेना है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, तो वो चीज़ और देख लीजिए। सही, उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मुझे इस लेक्चर में आपको मेजरली इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कैसे प्लानिंग करनी है, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो बेटा कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। चलिए अभी देखते हैं, मैं चार्ट बना रहा हूं यहां पर। यहां पे देखिए बेटा, जो मैंने वहां पे आपका जीके जीएस और करंट अफेयर लिखा था वो आपका एक तरीके से 50 क्वेश्चन हम मानते हैं। सही, 50 क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पे इसे थोड़ा सा डिवाइड कर लिया है कि आपके मेजर क्वेश्चन जो पिछले साल के पेपर हैं आपके, अगर उन्हें बेटा एनालिसिस करो तो पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग कैसे आपका रहता है। एक तो बेटा आपका करंट अफेयर आता है, फिर बायोलॉजी आता है, जियोग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, इकोनॉमी आता है। सही है, अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो करंट अफेयर की बात करें, लगभग अभी मैंने उससे पहले 10 क्वेश्चन लिखे थे लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, या फिर मार्क्स, एक नंबर के क्वेश्चन है तो चाहे मार्क्स लिखूं या फिर क्वेश्चन लिखूं। बायोलॉजी की बात करूं, बायोलॉजी से लगभग 8 मार्क्स। ठीक है, सेम अगर मैं बेटा जियोग्राफी की बात करता हूं, जियोग्राफी की बात करें तो ये आपको लगभग 7 मार्क्स या फिर 7 क्वेश्चन। सेम बेटा अगर हिस्ट्री की बात करते तो हिस्ट्री आपका 5 क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स। उसके बाद अगर पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी यानी ये भी आपका 5 मार्क्स। सेम अगर केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री भी आपको बेटा लगभग 5 मार्क्स। सेम अगर बेटा फिजिक्स की बात कर लेता हूं, फिजिक्स भी आपका लगभग 5 मार्क्स। और इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी भी लगभग 5 मार्क्स। तो बेटा इतना पोर्शन पढ़ना होता है। अब इस पोर्शन को डिटेल में नहीं बता रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चलो आप मुझे कमेंट करना। एक हमारे मुकेश सर हैं, तो मुकेश सर ने पूरा डिटेल में इस, मैंने वही चीज लिखी है यहाँ पे, पूरा डिटेल में बताया है कि किस पोर्शन में क्या आता है। जैसे अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ, करंट अफेयर में आपका क्या, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, सही, नेशनल इंटरनेशनल, चाहे नेशनल स्पोर्ट हो चाहे इंटरनेशनल स्पोर्ट हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि IPL कब हुआ था, सही, या फिर वर्ल्ड कप कब हुआ था, किसने जीता था, क्रिकेट का हो गया, फिर टेनिस का हो गया, सही, विंबलडन लास्ट ईयर विंबलडन किसने जीता, या फिर आपका बुक्स, अभी जो नई बुक्स आई हैं उसके अर्थर, लेखक कौन कौन से हैं, उससे कौन कौन सी किताबें आपकी आई हैं। उसके अलावा अवार्ड्स के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये फला नोबेल पुरस्कार किससे मिला, या फिर उसके बाद आपका डिफेंस से क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सही, अभी अभी एक नया, मेरे ख्याल से आज से एक दिन या दो दिन पहले एक लेक्चर अपलोड हुआ होगा, उसमें डिटेल में बता रखा है मुकेश सर ने। ठीक है, आप अगर आपको लेक्चर का लिंक चाहिए मुझे बेटा कमेंट करिए, जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं सबको एक ना कमेंट जरूर करना है कि उन्हें लेक्चर कैसा लगा, और उन्हें कुछ और दिमाग में कोई क्वेरी है तो आपको मुझसे पूछनी है। ठीक है, 101% मैं आपको उसी दिन रिप्लाई करूंगा इस लेक्चर के लिए।
उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम जैसे आयुष्मान योजना चल रही है, ठीक है, या फिर हेल्थ केयर स्कीम की अगर बात करी जाए, उज्ज्वला योजना चल रही है, भाई उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है, समझ रहे हो, तो किससे रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है जो सिलेंडर आपके गरीबों में बांटे जा रहे हैं, बहुत सारी आपकी स्कीम्स हो सकती हैं उसके बारे में। उसके अलावा फिल्म फेस्टिवल और म्यूजिक फेस्टिवल, बहुत सारे इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपका इवेंट एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब क्या है, जैसे आपके दिल्ली में प्रगति मैदान में आपके एग्जीबिशन होती रहती हैं, सही, जैसे वर्ल्ड ऑटो एक्सपो, सही, तो इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं, ये आपका करंट अफेयर में सारी चीजें आ गई। बायोलॉजी की अगर बात कर लूँ तो बायोलॉजी में बेटा क्या पूछा जाता है, अगर बेटा बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में आपका न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन बॉडी, जैसे जैसे विटामिन बी वन का क्या यूज होता है, सही, ए बी सी डी ई एफ, ये जो विटामिन होते हैं आपके, सही, कि विटामिन सी किससे मिलता है, जनरली संतरे से मिलता है, इम्यून सिस्टम को ज्यादा इंक्रीज करता है, कोरोना काल में वैसे ही विटामिन सी को रिकमेंड करा जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सही है, उसके अलावा आपका सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, सर्कुलर सिस्टम हो गया, उसके अलावा आपका सेल टिश्यू ऑर्गन्स प्लांट, ये सब चीजें आपकी सब बायोलॉजी में आ जाती हैं, तो ये चीजें ध्यान से आपको पढ़नी पड़नी है। उसके अलावा अगर जियोग्राफी की बात करूं तो जियोग्राफी में आपका जो अर्थ है, सही, और एटमॉस्फेयर है, इसके क्वेश्चंस होते हैं आपके। उसके अलावा इंडियन जियोग्राफी आपका हो गया, या फिर आपका वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, या फिर आपका क्लाइमेट यानी कहाँ कहाँ कैसा मौसम है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने समुंदर हैं ओशन, सही, और ओशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपका ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया, या फिर आपका रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज हो गया, ये सारी चीजें आपकी ज्योग्राफी में आ जाती हैं। अगर बेटा हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में तीन आपके आ जाएंगी, एक आ जाएगा आपका एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा आपका आ जाएगा मेडिकल हिस्ट्री, और अगर तीसरे की अगर बात करूंगा तो आपको हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपको तीनों के तीनों पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं पॉलिटी की बात करूंगा, सही, तो पॉलिटी में आपका क्या क्या चीजें, जैसे आपका आर्टिकल आपका जो संविधान लिखा गया है, सही है, उसमें आपके कौन कौन से क्या क्या आर्टिकल्स हैं, जैसे अभी रिसेंटली कश्मीर में आपका कौन सा आर्टिकल अप्लाई करा गया है, धारा 370, इन सब टाइप की जो थोड़े विवादास्पद करंट अफेयर वाली बातें, सही। उसके अलावा अमेंडमेंट्स, सही, कि अमेंडमेंट जैसे अभी संविधान में जो आपके संशोधन होते हैं, सही, अमेंडमेंट्स, तो उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा बात करूं अपॉइंटमेंट्स, सही, अपॉइंटमेंट्स मतलब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या है, सही है, या फिर विदेश मंत्री का नाम क्या है, कृषि मंत्री का नाम क्या है, एनर्जी मिनिस्टर का नाम क्या है, रेलवे मिनिस्टर का नाम, सब पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री कौन है, किस स्टेट का, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं पॉलिटी बात करता हूँ, आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो ने बता ही दिया आपके, उसमें जो राइट्स और ड्यूटीज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये दोनों स्टेट और सेंटर, सही, दोनों के आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आपका सब पॉलिटी में आ जाता है। उसके अलावा केमिस्ट्री की अगर बात करूं, केमिस्ट्री में आपका सिंपल एलॉय हो गया, सही है, जैसे बेकिंग पाउडर हो गया, या फिर आपका पॉल्यूशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गए, सही है। उसके अलावा आपका क्या होता है, एटम और उसके मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिड बेस सॉल्ट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। फिजिक्स की अगर बेटा बात कर लेते हैं, फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी बेसिक प्रिंसिपल जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ रखा है, 10th से लेकर 12th तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपका वेव मैकेनिक्स आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपका वेव मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें आपकी फिजिक्स में आती हैं। और एक आपका और बचा बेटा इकोनॉमी बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो, लेकिन आपको तो डिटेल में नहीं पढ़ना है, जैसे इकोनॉमी में रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, सही है, या फिर CSSR क्या चल रहा है, LCR क्या चल रहा है, सही है, तो ये आपके हमारा फॉरेन रिजर्व कितना है, सही है, या फिर हमारे देश में कितने नेशनलाइज्ड राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, या फिर हमारे NPA कितना चल रहा है, सही, ये चीज पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी। तो ये सारा क्वेश्चन आपका नॉन टेक में आ रहा है, ठीक है। मुझे आप कमेंट कर देना, मुकेश सर ने बहुत ही डिटेल में लेक्चर बनाया है इतने पोर्शन के लिए सिर्फ, क्योंकि ये पोर्शन आप लोगों का आसानी से नहीं मिलता नहीं है, क्योंकि जनरली हमारे जैनिक जे स्टडी अभी तक तो टेक्निकल चैनल था, लेकिन अब हम नॉन टेक्निकल भी सारा प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत हो मुझे आप कमेंट करके बताना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे जो इस लेक्चर को बनाने का मकसद क्या था कि देखो अब बेटा टाइम आ गया है कि अब दुनियादारी छोड़ दो, जितना आपको हंसी मजाक करना था हो गया, डेट आ चुकी है 1 से 4 सितंबर, अब तन मन धन से लग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। 90 डेज का प्लान है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 80 दिन रह गए होंगे, हो सकता है चलो 78 दिन रह गए होंगे, 75 दिन रह गए होंगे। कॉपी में बैठ के बेटा पूरा प्लान लिखो, अगर पत्थर ही लगेगा ये आपने सोच लिया है कि भाई मुझे सर्किट थ्योरी बेटा 15 दिन में करनी है, सही है, तो पत्थर की लकीर है, 15 दिन में करनी है। 15 दिन में करना है मतलब क्या है कि मुझे 3 दिन में थ्योरम्स करनी है, मुझे 2 दिन में रेजोनेंस सारी चीजें करनी है, मुझे
दो दिन में मुझे मैश और नोडल एनालिसिस करनी है, सही है, इस तरीके से उसे भी और टॉपिक वाइज उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करो और उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मैंने कह दिया कि 8 से 10 घंटे, अरे भाई 12 घंटे पढ़ाई करो, आपके पास काम ही क्या, अगर अभी पढ़ाई नहीं करो तो सारी मेहनत बर्बाद। देखो ये जो समय चल रहा है, समझने की कोशिश करो आपने साल भर कितनी मेहनत करी हो, वो एक तरफ, लेकिन ये 70 दिन, ये 80 दिन, ये 90 दिन अगर यहां बेटा मेहनत करते हो तो ये आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, सही है। तो ये आपकी लाइफ चेंजिंग डेज है, सही, ये जो 70, 80, 90 दिन है इससे आपकी जिंदगी बदल सकती हो, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो बेटा, हमें अपने जेनिक एजुकेशन की बात करूं, देखो बेटा जेनिक एजुकेशन में मेरी 5000 ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, जिस बच्चे को चाहिए मुझे कमेंट करें, मैं लिंक में शेयर करूंगा। मुकेश सर ने बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत पढ़ा रखा है, मुझे कमेंट करो, मैं लिंक शेयर करूंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल लेक्चर। मैंने मशीन में ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रखा है, डीसी मशीन जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, सही, कमेंट करिए, लिंक में शेयर कर दूंगा। उसके अलावा आनंद सर कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम से सीसीजी में 1 क्वेश्चन आता है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मिसलेनियस वाला जो पोर्शन होता है, मिसलेनियस, उसमें 1 क्वेश्चन कभी कभार नॉर्मल पूछ लेते हैं, नॉर्मल, ओपन लूप के क्या एडवांटेज है, क्लोज लूप के क्या एडवांटेज है, वहां से जाके पढ़ सकते हो। मेजरमेंट मुकेश सर ने पढ़ा रखा है, मैंने पावर सिस्टम पढ़ा रखा है, आप बेटा एक बार कमेंट करो, मैं आपको सारे के सारे लिंक शेयर करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो हमारे जेनी जे स्टडी पे भी आप जाओ, और बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज आने वाली है हमारी, सही है, तो वो भी ले सकते हो। दूसरा हमारा जो बेटा पेड कोर्स है, अभी भी समय है, हमारा पेड कोर्स वैसे काफी ज्यादा सेल हो रहा है, अगर पेड कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मुझे डिस्काउंट नहीं पता कि कितना डिस्काउंट चल रहा होगा, मेरे ख्याल से 45% या 50% तो चल ही रहा होगा डिस्काउंट, ठीक है। और अगर आप सुमित सर 10 SUMIT SIR 10 ये कूपन कोड अप्लाई करोगे, चाहे इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा अप्लाई करे, चाहे बेटा सिविल वाला बच्चा अप्लाई करे, दोनों बच्चों को 10% डिस्काउंट एडिशनल मिलेगा, सही। तो अगर अभी भी आप हमारा कोर्स लेते हो तो हमारा कोर्स आपके लिए बेटा बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि समझो बात को, अभी चल रहा है कोरोना, कहीं कोई कोचिंग तो खुल नहीं रही, जो करना है बेटा खुद से ही करना है। हमारे अपने कोर्स की अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, काफी लंबा लेक्चर हो गया है, कोर्स की बात करूं काफी डिटेल में हमारा कोर्स है। अब ये मान के चल लीजिए 3 से 4 हजार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए और 2 से 3 हजार हमने प्रैक्टिस सेट्स का क्वेश्चन दे रखे, उसके अलावा 500 से ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए, सही है। तो यानी वो पूरा एक पैकेज है आपका, जैसे मशीन मैंने पढ़ाया 100 घंटे लगभग, पावर सिस्टम मैंने पढ़ाया 100 घंटे लगभग, ये दो सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाले, पत्थर लगी यूट्यूब पे भी नहीं मिलने वाले, ये दोनों मैंने पढ़ाया लगभग 30 घंटे दोनों मिला के, एक्चुअली ध्यान नहीं है मुझे, सही। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सर है हमारे एक, उन्होंने पढ़ाया है, मेजरमेंट भी एक सर ने पढ़ाया है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी सर्किट थ्योरी ये आपके फेवरेट मुकेश सर ने पढ़ा रखा है। तो ये अगर आप हमारा पेड कोर्स करते हो, सुमित सर 10 का यूज करते हो, कूपन कोड का 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। लेक्चर को वाइंड अप करता हूं, आपको बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही हो, कहीं आपके दिमाग में डाउट हो, मुझे बेटा बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट चाहिए, सही, कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, ठीक। और इस वीडियो को बेटा शेयर करो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, और हमारा बेटा फेसबुक पे एक ग्रुप है, वो भी लिंक में शेयर कर दूंगा कमेंट में, उसमें आपके दिमाग में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, चलो छोड़ो नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम हो, वैसे टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए है फेसबुक का ग्रुप है, ठीक है, उसे ज्वाइन करो और वहां पे जो भी प्रॉब्लम है अपनी पोस्ट कर दो। हमारी डेडिकेटेड टीम है, मैं हूं सुमित शर्मा, मुकेश सर है, मुकेश देवगन सर, उसके अलावा हमारे आनंद साहू सर है सिविल मैकेनिकल सर भी, आपको विद इन डे हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो उस फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करो और इस वीडियो को बेटा शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है, कोई भी दिक्कत लगे कमेंट करो। चलिए थैंक यू बेटा और बेस्ट ऑफ द लक।